क्वांटम नंबर। ओके एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, तो कल का क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे थे, राइट। और कल का क्लास में मैंने बताया कि आज के बाद किसी भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट रहेगा। एवरी इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होगा, ओके। और कितने क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन का वेव कैरेक्टर जानेंगे? थ्री क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन का कौन सा कैरेक्टर, कौन कौन सा? एनएलएम, ओके वेरी गुड। और कौन किस में पार्टिकल कैरेक्टर रहेगा? स्पिन क्वांटम नंबर, राइट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने कुछ काम किया बट लोगों को बता नहीं पाए कि मैंने काम क्या किया। वो आपके पीछे वाला आके बता रहे, नहीं उन्होंने ये काम किया था, ये काम किया था, वो समझा रहे हैं। तो श्रोडिंगर ने सॉल्यूशन निकाले, राइट, और वहाँ से एक वैल्यू आया, उसका नाम एन दिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाद में उसके बारे में प्रपोज किया गया, इट इज़ प्रपोज बाई नील्स बोर। उन्होंने इसका मतलब समझाया कि इसका मतलब उन्होंने बोल रहा था ऑर्बिट नंबर। इसका सॉल्यूशन किसका था? श्रोडिंगर का सॉल्यूशन था, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ज़्यादा बात किसने किया? नील्स बोर। तो ये ऑब्जेक्टिव कभी आ सकता है थ्योरेटिकल, प्रपोज्ड बाय बोर, लिख लीजिए प्रपोज्ड बाय बोर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ही दूसरा नाम है ऑर्बिट नंबर, और इसी का तीसरा नाम है सेल। क्या नाम है? जो टेंथ क्लास में पढ़े होंगे, सेल, राइट, के सेल, एल सेल, एम सेल एट्सेट्रा, यही है। तो हर इंसान का दो नाम, आपका न्यूमेरिकल नाम भी है, पता है कि नहीं? रोल नंबर, रोल नंबर इज ऑल्सो योर आइडेंटिटी, राइट। देखते हैं, मकान का भी दो नाम रहता है, हाउस नंबर 14, या उस मकान मालिक के नाम से दिस भवन एंड दिस भवन, राइट। तो वैसे ही दो नाम है, एक न्यूमेरिकल नाम हुआ और एक उसका लेटर वाइज नाम रहेगा, एग्री। तो लिखिए, इट रिप्रेजेंट ऑर्बिट नंबर, इट रिप्रेजेंट ऑर्बिट नंबर। और सेल, 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 एस एच ई डबल एल लिखे, इट ऑल्सो इंडिकेट, इट ऑल्सो इंडिकेट इट ऑल्सो इंडिकेट साइज ऑफ ऑर्बिट एंड टोटल इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टोटल इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है न्यूक्लियस, प्लस का मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद सबसे पहला जो सेल मिलता है उसका नाम क्या है? के। उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, इसी का नाम है ऑर्बिट नंबर वन, ऑर्बिट नंबर
टू, ऑर्बिट नंबर थ्री, ऑर्बिट नंबर फोर। किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा ऑनलाइन क्या बच्चे? तो ऑर्बिट नंबर 1.5 बोल पाएगा क्या? बोला सही रहेगा? ऑर्बिट जब भी रहेगा, एक रहेगा, दो रहेगा, तीन रहेगा, चार रहेगा, पांच रहेगा, छह रहेगा, इसका मतलब ओके। इसका मतलब एन क्या रहे, एन एक्चुअल में क्या था? जब उन्होंने सॉल्यूशन किया होगा तो बताया होगा एन इज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? बोलिए पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड है? पीरियोडिक टेबल तो चलो अपने सामने एक पीरियड टेबल खरीद लीजिएगा, सेवन। इसका मतलब प्रैक और हर पीरियड एक ऑर्बिट नंबर को इंडिकेट करेगा। जैसे हम देखते हैं बोलते हैं सोडियम किस पीरियड का? थर्ड पीरियड का। तो उसका आउटर बाद में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर पढ़ाएंगे, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट थर्ड रहा होगा, ठीक है? बट बोर मॉडल में, बोर मॉडल भी तो एक चैप्टर है, उसमें ऑर्बिट कितना माना गया है? इनफाइनाइट, राइट? तो वो क्या है? हाइपोथेटिकल है। बोर मॉडल में भी कुछ एजम्पशन लेकर उस मॉडल को तैयार किया गया है, बट प्रैक्टिकली रियलिटी में कितना होना चाहिए? सेवन। बट हाइपोथेटिकली बोर के बोर मॉडल में इनफाइनाइट, ठीक है? एनीवे तो ए रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, करेक्ट? यहां तक ड्रॉ कर लिए? ओके एवरीवन, यहां देखिए किस ऑर्बिट का साइज बड़ा है, ऑर्बिट नंबर वन का या ऑर्बिट नंबर टू का? इसका मतलब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है एन का वैल्यू इंक्रीजेज साइज ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेज, इज इट राइट? अब सर एन और ऑर्बिट के साइज में क्या रिलेशन है हम लोग बोर मॉडल में देखेंगे। ऐसे आप लोग का भी रटा हुआ होगा, मेरा भी रटा हुआ है, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड, और आर नॉट का वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529। ये तो पढ़े होंगे नीट का एग्जाम देने के लिए, मॉडर्न फिजिक्स में था ना ये, बहुत सारा वैल्यू आपको याद होगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? ये तो बहुत फेमस वैल्यू है एनीवे, बट ये इस चैप्टर में हम लोग को नहीं पता है, बस इतना पता है कि एन का वैल्यू इंक्रीज है, साइज ऑफ ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीज है। ये आपके सामने डायग्राम है। नेक्स्ट यहां देखिए, अरे इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, सारे बातों को समझिएगा तभी असाइनमेंट का क्वेश्चन बनेगा। विच इलेक्ट्रॉन आर मोर टाइटली बॉन्डेड विथ न्यूक्लियस? वेरी गुड। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन है? वन का, राइट? तो यहां के लिए थोड़ा मेरे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बाद में प्रूफ कर देंगे। अट्रैक्शन इंक्रीजेज इनर्जी डिक्रीजेज, ऐसा होता है ये नेचर का, ये सिर्फ यहां के लिए नेचर का रूल है। अट्रैक्शन इंक्रीजेज इनर्जी डिक्रीज है, उल्टा बोलिए तो अट्रैक्शन डिक्रीज है एनर्जी इंक्रीज है, व्हाट और रिपल्सन इंक्रीज है, व्हाट रिपल्सन इंक्रीज है एनर्जी।
किसी के बीच में रिपल्सन है खुद। यहाँ देखिए बड़ा आसान है, इलेक्ट्रोस्टेट हम लोग पढ़ते हैं, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना चाहिए। ये सब बात मैं लेक्चर नंबर 1 में 11 में किया हूँ, 11 नंबर में, लेक्चर नंबर 11 में, राइट। तो अगर ये लाइट चार्ज पार्टिकल है और दोनों यहाँ पे है, इसको और पास लाना है फॉर इंक्रीजिंग द रिपल्सन, खुद से आएगा नहीं आएगा सर, लाना पड़ेगा क्योंकि रिपल्सन हो रहा है तो लाना पड़ा। तब मैं पकड़ के इसको ला रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए मैंने जो वर्क किया वो मेरा वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, इसमें इनर्जी के फॉर्म में, बिकॉज इनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। एग्री, दिस इज द वजह रिपल्सन इंक्रीजेज इनर्जी इंक्रीजेज। लेकिन मान लेते हैं कि सर ऐसा रहता, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसको छोड़ देते, छोड़ कर टेस्ट कर रहे हैं, क्या लाने का रिक्वायरमेंट है या खुद से पास आ जाता? तो खुद से पास हो आएगा तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, राइट। इसका मतलब अट्रैक्शन इन इंक्रीज है, इनर्जी रिलीज करेगा, क्या होगा? तो आज के बाद अट्रैक्शन इंक्रीज है, इनर्जी डिक्रीज है, और नेचर का रूल है इनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, इनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। दिस इज द रीजन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहना पसंद करेगा या पास? बोलिए पास रहना पसंद करेगा ना, पास रहेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, इज इट राइट। तो इस बेसिस पे यहाँ का इलेक्ट्रॉन, अगर इसको इलेक्ट्रॉन फर्स्ट नाम देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन सेकेंड, एक नाम दे दिए अभी नहीं सर, इसको फर्स्ट क्यों बोल दिए, जस्ट समझाने के लिए। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में किस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा? वेरी गुड, इसका अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी ज़्यादा रहेगा, और इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी, इस थ्योरी से बोल सकते हैं ना, अट्रैक्शन इंक्रीज एनर्जी डिक्रीज, और इसका उल्टा क्या बोलिएगा, अट्रैक्शन डिक्रीज तो एनर्जी इंक्रीजेज। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसका अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस के साथ तो एनर्जी ज़्यादा होगा। और ऐसे भी सोचिए, इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ से यहाँ जाएगा क्या, खुद से जाएगा या भेजना पड़ेगा? तो यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए, अगर भेजना चाह रहे हैं तो मुझे आउटसाइड से एनर्जी देना पड़ेगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ भेजते हैं, और बाद में इसी चीज़ को मैं क्या बोलूँगा कि अगर एकदम सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे कोई भी सिस्टम सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे है, मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे है, राइट। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट को आगे चल कर नाम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। एक स्टेट होता है जिसका नाम क्या है, ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट को, समझ गए। इसलिए क्लास 11 के बच्चे 2-3 दिन बहुत हार्ड वर्क कीजिए, और सिर्फ बोल सुनिए नहीं तो बहुत पीछे हो जाइएगा आप। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एग्जाम का कवर करना है 3 दिन के अंदर, बिफोर ट्यूसडे, और 11 से लेकर 15 तक लिख कर, दोनों लिख कर आना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एग्जाम कहाँ पे, एक अलग से कॉपी बनाइए, मिशन क्लास 11 पास हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, और उस पर लिखिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर स्कूल एग्जाम, और उसी में आफ्टर दैट लिखिएगा केमिकल बॉन्डिंग। और एटॉमिक स्ट्रक्चर एक तो है ही, 11 से 15 वो कवर करना है, और दोनों कवर करके आइएगा, और ट्यूसडे के बाद बिल्कुल मेरे साथ मैच करना चाहिए फ्रीक्वेंसी, जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ठीक है। और नहीं करेंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे को आपके पेरेंट्स को बुला के कंप्लेन करूँगा, ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं, जो बोल रहे हैं उतना कीजिए। चलिए तो मैंने अब यहाँ फिर से एक बार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक तो ऑर्बिट तो नहीं लगता कि सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखते कभी कभी ऐसा होता है ना,
कि जो इंग्लिश लेकर एमए करते रहते हैं उनका बहुत तगड़ा इंग्लिश होता है, वो आसान बात को भी एकदम इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ करते हैं कि हम लोग का ऊपर से टेंजेंट बनते निकल जाता है, राइट। बाद में पता चला कि वही बोलना चाह रहे थे जो मैं बोल रहा हूँ टूटी फूटी इंग्लिश में, बात वही था। मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, सी सॉ नहीं जानता था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी सॉ, एक बहुत पहले की बात है टेस्ट सीरीज में। बाद में पता चला कि बच्चों का झूला सी सॉ एक स्ट्रक्चर आता है हाइब्रिडाइजेशन में, सी सॉ स्ट्रक्चर। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बेचारा इंग्लिश के वजह से भी मार खा जाता है, पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो 10% फर्क पड़ता है। एक बार मिस्टेक हो सकता है, बार बार तो हो नहीं सकता है। तो वही हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टर्म सुन के लग रहा था कि बहुत ही कॉम्प्लिकेट टफ है भाई, ऑर्बिट नंबर का ही दूसरा नाम था और सेल का ही तीसरा नाम था, राइट। तो समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बोलना है कोई किसी को अपने आप को होता है ना शो ऑफ करने के लिए, तो बोलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिमाग में सोचते रहिए ऑर्बिट नंबर, राइट होगा, ओके। और एक क्या इंडिकेट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट साइज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा साइज ऑफ द ऑर्बिट ज़्यादा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा देन व्हाट वाज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा ना, इसका मतलब ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, लिखिए इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी इतना ही लिखिए कि ज़्यादा होगा। इनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों ज़्यादा होगा निहार, सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, रिपल्सन कहाँ हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो इसका अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन होता है लाइट चार्ज पार्टिकल के बीच में, राइट। तो इफ इलेक्ट्रॉन गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस देन इट अट्रैक्शन डिक्रीजेज, और अट्रैक्शन डिक्रीजेज एनर्जी, बाद में इसका न्यूमेरिकल प्रूफ दे देंगे, अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए, होगा ओके। आप जिस बिल्डिंग में क्लास कर रहे हैं उस बिल्डिंग का नाम है पर्निल पैलेस, पर्निल, राइट। तो इसको ऐसे समझिए कि पर्निल पैलेस मेरा एक ऑर्बिट है, क्या है ऑर्बिट। अब पर्निल पैलेस में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑफिस है, एक केएफसी है, एक डोमिनोज पिज्जा है, रिलायंस ट्रेंड है, एक्सिस बैंक है, बीओबी है, ये सब है, राइट। और एक कैटलिस्ट है, करेक्ट। तो ये ऑर्बिट के अंदर सेल के अंदर ये सब बांटा गया सब सेल, क्या बांटा गया सब सेल। तो कैटलिस्ट इज वन ऑफ द सब सेल, और कैटलिस्ट में भी एक क्लास, डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी के बैठने के लिए जगह है। तो सब सेल के अंदर भी डिवाइड कर दिया गया, तो क्लासरूम क्या हो गया सब सब सेल, क्या हो गया एंड बी आर इलेक्ट्रॉन, बी आर व्हाट इलेक्ट्रॉन। आप कहीं पे भी आके छत पर ना बैठ जाइएगा, बैठने का एक प्रॉपर एक जगह है। इन सिमिलर फैशन एटम में भी इलेक्ट्रॉन का रहने का एक पार्टिकुलर जगह है। तो सर एटम कहाँ रहता है, पहला आंसर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है एटम के अंदर, एटम के अंदर कहाँ रहता है ऑर्बिट में, ऑर्बिट में कहाँ रहता है सब सेल, सब सेल में भी कहाँ रहता है बॉक्स जो बना के दिखाते हैं सब सब सेल, जिसको आगे नाम दे देंगे ऑर्बिटल, क्या नाम देंगे ऑर्बिटल। तभी आप कहाँ पहुँचे हैं सिर्फ ऑर्बिट में है, राइट। अब लिखिए अजीमुथल क्वांटम नंबर, देखिए स्टूडेंट अजीमुथल क्वांटम नंबर को मैं इंडिकेट करता हूँ एल से। पहला चीज़ तो होना चाहिए कि ये क्या क्या इंडिकेट करता है, साइलेंट कर लीजिए। देखिए इट इंडिकेट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट इंडिकेट शेप ऑफ
इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप, एग्री? पहला चीज तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानेंगे या क्लाउड मानेंगे, वेव मानेंगे, और भूलिएगा तो फिर कॉटन कैंडी याद रखते रहिएगा, समथिंग लाइक दैट। तो आपके हाथ में कॉटन कैंडी दे दिया गया, तो आप उसका, आपकी मर्जी है, ऐसा भी तो शेप बना सकते हैं, मेरी मर्जी है, ऐसा भी तो शेप बना सकता हूँ, फिर मेरी मर्जी है, ऐसा भी तो बना सकते हैं भाई, राइट? एक कुछ ऐसा बात है कि पानी को बोतल में रख दिए, किसका शेप ले लेगा? अगलास में डाल दिए तो, वेरी गुड। मैं उल्टा करके बोल रहा हूँ, सीधा कुछ और बात है, जब और सीधा भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है। सीधा बात तो यह है कि लोकस का मतलब क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकस? लोकस का मतलब पॉइंट नहीं, लोकस का मतलब पाथ, बोलिए मेरे साथ, ट्रैजेक्ट्री। मतलब अब देखिए पाथ समझ में आ जाता है, इसी का स्टैंडर्ड लोकस बोल दिए, और उसी का ट्रैजेक्ट्री, कहानी यहाँ फंस जाता है, राइट? फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया किसी पार्टिकल का सर्टेन पॉइंट से 10 मीटर पे मूव करना है, मैंने किसी पार्टिकल के लिए एक यहाँ पे इस पॉइंट से पॉइंट ए, बातों को समझिएगा, अब मैंने बोला 10 मीटर पे, कितना मीटर पे, ना ही 10 मीटर से कम ना ही ज़्यादा, 10 मीटर पे चारों तरफ घूमना है, और तब पूछेंगे व्हाट इज द ट्रैजेक्ट, व्हाट इज द जो शेप बनेगा पार्टिकल घूमने से वो क्या रहेगा, व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, क्या रहेगा? इट इज द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, मैंने बोला चारों तरफ, चारों तरफ मतलब समझते हैं सराउंडिंग, तो 2D या 3D, मैं 99% श्योर था कि आप लोग सर्कल बोलिएगा, बिकॉज वी आर वेरी फेमिलियर विद सर्कल, कि 10 मीटर पे ओके सर्कल ही होगा, इसलिए मैंने हिंदी में बोल दिया था चारों तरफ, ऑल स्पेस सराउंडिंग। तो अब बताइए किसी पॉइंट से 10 मीटर पे चारों तरफ घूमेंगे, उस स्फीयर का सरफेस रहेगा, राइट? 2D में रहेंगे तो सर्कल रहेगा, 3D में रहेंगे तो स्फीयर का सरफेस रहेगा। तो मेरा लोकस क्या था, मैं कहाँ पे घूम रहा था, स्फीयर के सरफेस पे घूम रहा था, ये मेरा ट्रेजेक्ट्री हो गया, राइट? तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, यहाँ देखिए, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए, बाद में तो इसका बहुत इजीएस्ट वे मैं बता दूंगा। हुआ ये होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब डेप्थ में अगर पढ़िएगा तो समझ में आएगा, और इलेक्ट्रॉन में ड्यूअल कैरेक्टर है, तो कोई भी ऐसा पार्टिकल जो वेरी हाई स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं, बट उसके आसपास और मास इज वेरी लेस, उसमें वेव कैरेक्टर भी आ जाता है। तो मान लेते हैं कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डिस्टेंस में सराउंडिंग में घूम रहा होगा, जो उन्होंने सॉल्यूशन किया होगा, किसने, श्रोडिंगर, तो उन्होंने देखा कि अच्छा इस इलेक्ट्रॉन का लोकस एक भाई तो ये मिल रहा है स्फीयर का सरफेस, फिर उन्होंने देखा कि इस इलेक्ट्रॉन का पाथ ऐसा भी है, कैसा है, ऐसे जाकर ऐसे घूम रहा है, पाथ इनिशियल ऐसे रहा होगा, लेकिन इसी पाथ पे अगर वेरी हाई स्पीड में अगर रिवॉल्व करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रॉन नजर आएगा या क्लाउड नजर आना शुरू हो जाएगा, क्लाउड नजर आना शुरू हो जाएगा। अरे डंबल 2D में नहीं होता है भाई, डंबल में वॉल्यूम होता है, मतलब इसके सरफेस पे, राइट? ऐसा सरफेस कैसा है, कर्व सरफेस है, कैसा सरफेस है, कर्व। डंबल देख रहे हैं ना, जो जिम वाला डंबल, वही डंबल का मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में मिला ऐसे था, ये जो शेप जो हम लोग दिखाते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का लोकस है, एंड ड्यू टू वेरी हाई स्पीड उसमें कौन सा कैरेक्टर नजर आ रहा है, क्लाउड। लेकिन हम लोग को इतना दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग इसका उल्टा एडवांटेज लेंगे, उल्टा एडवांटेज ये लेंगे, उल्टे तरीके से याद करेंगे, क्योंकि आपको इससे मतलब अभी क्या है, आपको बस मतलब कि आंसर सही हो जाए और मार्क्स 4 मिल जाए। अभी मेरा प्राइम टारगेट क्या है कि आपको बस एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनवा देना है, बाकी PhD करते रहिएगा वहाँ जाने के बाद, यहाँ के लिए बस उतना ही मेरा प्राइम फोकस रहेगा,
हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक्चुअल में जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना कि मतलब पूछते हैं, जैसे 11th क्लास के बच्चे में बहुत क्यूरियोसिटी रहता है, रेगुलर क्लास में मेरा आइएगा तो देखेंगे उसमें बहुत क्वेश्चन टॉक्टेटिव बच्चे हैं, नया नया जब आज साइंस लेना था, अब बहुत सही 11th क्लास में मेरे पास जो सही टाइम पे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत कुछ पढ़ाते हुए आगे तक निकल जाता हूँ और सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। एनीवे, हम लोग अब इसका उल्टा करेंगे। एक होता है सब सेल, सेल के अंदर उसी को पढ़ रहे हैं, तो एजमुथल क्वांटम नंबर का ही दूसरा नाम है सब सेल। एजमुथल क्वांटम नंबर ऐसा समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड नाम है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, सब सेल, राइट। तो सब सेल का सर्टेन शेप है, सब सेल का क्या है, सर्टेन शेप है। एक स्फेरिकल शेप होता है, एक डंबल शेप होता है, एक डबल डंबल होता है, और चार पत्ती का फूल देखें, पत्ती नहीं समझते हैं, फोर पत्ती का फ्लावर, राइट, ग्रीन व्हाइट कलर का, तो ऐसा भी शेप हो सकता है। एफ सब सेल का वैसा ही शेप होता है, लिफ्ट टाइप का, ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में हम लोग काम क्या करेंगे कि सब सेल का जो शेप रहेगा, जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी सब सेल का शेप ले लेगा। हम लोग ऐसे उल्टा करके बोलेंगे, शेप बनाया था इलेक्ट्रॉन, बट आपको मैं कैसे रटवा रहा हूँ कि जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी सब सेल का शेप के जैसा उसका क्लाउड नजर आएगा, या कुछ पानी के जैसा जहाँ पर रखेंगे उसी का शेप ले लेगा, राइट। खुद का कोई कैरेक्टर नेचर नहीं है, कॉटन कैंडी का जैसा, कॉटन कैंडी से ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसको रटने का तरीका ही रहेगा। समझे मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड आपके पास रखा हुआ है, मिट्टी का ढेर, राइट, कॉटन, उसको ऐसे मानिए इलेक्ट्रॉन को, और जिस सबसेल में उसको रखेंगे उसी सबसेल के शेप के जैसा उसको बनना पड़ेगा, वो क्राइटेरिया वो कंडीशन है, एग्री। अगर इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल सबसेल में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा रहेगा, स्फेरिकल। अगर इलेक्ट्रॉन डंबल टाइप का सबसेल में रहेगा तो उस टाइम पे उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा रहेगा, डंबल। अगर डबल डंबल टाइप का रहेगा देन डबल डंबल। बात समझ में आ गया, ओके। एक और पॉइंट लिखिए, पहला क्या लिखे, यस, इट इंडिकेट्स शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सेकंड लिखिए, इट इंडिकेट्स सबसेल इन ए सेल, सबसेल इन ए गिवन सेल, इट इंडिकेट सबसेल इन ए गिवन सेल। लिखिए, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन, बोले मैंने ऐसा बात क्यों बोला, क्योंकि सबसेल होता कहाँ है, सेल के अंदर, सबसेल कहाँ होता है, तो एल का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैल्यू ऑफ एल, दोबारा नहीं समझाऊंगा, वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन, एग्री। तो सर एन, एल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो एल का वैल्यू 0 से एन माइनस 1 तक, नॉट एन, वैल्यू ऑफ एल लाइज फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 टू एन माइनस 1। लिखिए आज 0 से, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट होता है, यहाँ ध्यान सुनिएगा, क्योंकि सर 0 से 1 तक तो इनफाइनाइट नंबर होता है, तो 0 से एन माइनस 1 तक ऑल इंटीग्रल वैल्यू, 0 से एन माइनस 1 तक कितना वैल्यू, लिखिए ऑल इंटीग्रल वैल्यू, तो इसका वैल्यू कितना क्या होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एन पे। मतलब इसका कहने का क्या है, कोई भी एल का वैल्यू होगा या नहीं होगा उसके लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा, समझ गए। किसी भी सेल में वो सबसेल होगा या नहीं होगा उसके लिए क्या देखना है, एन को देखना है। इसलिए मैंने लिखवाया वैल्यू ऑफ एल, सिर्फ लिखवाने के लिए, इसको मैं मीन कर रहा हूँ, जो लिखवा रहा हूँ उसको मैं मीन कर रहा हूँ आंसर देने के लिए। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन।
अच्छा स्टूडेंट बताइए, दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का क्या क्या वैल्यू है? 3 और 5। हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स? बोलते ही नहीं है, आप लोग को भी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन का स्टूडेंट तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 3 और 5। हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स? दो वैल्यू, दोनों का मीनिंग अलग अलग है, राइट? वैसे ही एल का जो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, तब एल का जो जो वैल्यू रहेगा वो बोलना है। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, तो टोटल वैल्यू को काउंट करके बोलना है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आंसर क्या है? 3 और 5। हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स? वेरी गुड। एक और पॉइंट यहाँ लिखिए, ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट वन सब सेल। ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट वन सब सेल। आप लोग मोल कॉन्सेप्ट का क्लास असाइनमेंट ट्राई कर रहे हैं ना, फिर मैं आपका वेट नहीं करूँगा, पहले ट्राई कर लीजिए, एक लाइन से उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है? क्योंकि उसके बाद ही स्टार्ट करूँगा स्टिच्योमेट्री। मोल कॉन्सेप्ट में ही एक पार्ट है जिसका नाम क्या है, आप लोग क्या पढ़ते हैं उसको? वेरी गुड, मतलब उसका क्या हुआ? मैं आप लोग डाउन नहीं देता भाई, मतलब जो बोलते हैं उसको कम समझिए तो कि बोल क्या रहे हैं, क्या मतलब है? सर सब लोग बोल रहा था इसलिए मैं भी आज तक बोल रहा था, राइट? वो दो टर्म से बना हुआ था, अस्टियोचियोम प्लस मेट्री। इसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड में, अस्टियोचियोम का मतलब एलिमेंट, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, एलिमेंट का मेजरमेंट। तो हम लोग बहुत सारा चीज़ ऐसा काम कर रहे हैं, जो सब लोग कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं। और उसको अगर संधि विच्छेद कर दें, टर्म को तोड़ दिया ना, उसको बोलते हैं हिंदी में संधि विच्छेद करना। विद्यालय विद्या प्लस आलय, राइट? विद्यार्थी, राइट? विद्या पर अर्थी मतलब बैग उठाना है। लेकिन बच्चों का आज के डेट में है कि पूछते हैं कि अच्छी प्रॉब्लम लेकर आए जी, सर छोड़ दिए, फोटो खींच के ले आए हैं, घर पे छोड़ दिए, मतलब बुक उठाने में डर रहे हैं। उठा के लेकर आना है भाई, सब कुछ करना है। जिस चीज़ के लिए आपको नाम पड़ रहा है और उसका उल्टा काम नहीं करना है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए, इसका मतलब है ईच वैल्यू ऑफ एल, यस जीरो भी काउंट होगा, इसलिए तो मैंने बोला जीरो से लेकर कहाँ तक, एन माइनस वन तक, जीरो से लेकर वो जीरो उसका नाम है। सबसेल का न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो होता है। अब इसका डेप्थ बात है कि हम लोग के हाथ में नहीं था, ये तो श्रोडिंगर सॉल्व किए उनका। जैसे कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हर्षवर्धन, मान लेते हैं कि मैंने ये दे दिया 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 और 4, 2 और 4। तो सॉल्व सॉल्यूशन है ना, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ x, राइट? वैसे ही कोई इक्वेशन रहा होगा श्रोडिंगर का, उन्होंने सॉल्व किया तो उनको ये सब वैल्यू मिल रहा था l के लिए 0 1 2 3। हायर लेवल पर जाइएगा, कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़िएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो दीज आर द एक्चुअली सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग आसान भाषा में बोल रहे हैं कि ये सब इसका नाम है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है? बट ये सब किसका था? उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, एग्री? तभी बस आप इतना ट्रस्ट कर लीजिए कि हाँ एल का वैल्यू जीरो भी होता है। ये नहीं कि सर जीरो कैसे होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब आज के बाद एल का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होगा, इज इट राइट? एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? वन से। एन का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? वन से, ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ठीक है? नहीं मैं समझ सकता हूँ।
स्टार्टिंग वो तो एज ए टीचर, टीचर का फंडामेंटल राइट है थोड़ा डांटने का, इसलिए बोलते हैं। बट आप लोग तो कुछ भी डांट नहीं खाते हैं भाई। मैं इंडिया का सबसे बेस्ट टीचर से पढ़ा हूँ ऑर्गेनिक, बेस्ट मतलब बेस्ट। आपको बुक लेकर लेकर दिखाएंगे, डॉक्टर डी के सी, वही बुक मैं बुक फॉलो भी करवाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब वो आईएससी बेंगलोर से पीएचडी किए हुए हैं, पीडीएफ यूएसए से नोबेल प्राइज विनर के अंदर काम किए हुए टीचर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। उनसे ऊपर इंडिया में ऑर्गेनिक का टीचर मुझे नहीं मिला है, वन ऑफ द बेस्ट। यकीन कीजिएगा, 5 क्लास तो मतलब बिल्कुल इतना बढ़िया भगवान पर्सनालिटी दिए थे। अब तो सर अनफॉर्चुनेटली बहुत कम एज में चले गए। 6 फीट हाइट, ये मैं 2003 का बात कर रहा हूँ। और उस टाइम पे वो आते थे तो टाइट फिटिंग जीन्स टी शर्ट बूट पहनकर, हम लोग देखते थे कि टीचर का हम हीरो ज़्यादा लग रहे हैं। और वो यूएस से काम करके आए थे, नॉट ए सिंगल टर्म हिंदी बोलते थे, फ्लुएंट, उसमें भी अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश तक हम लोग संभाल सकते हैं राइट, भी कैसे भी किसी से तोड़ जोड़ कर इज आर इन दी करके हम लोग काम चला रहे थे। तो 5-6 दिन तक तो हम लोग बस, मैं तो सुनते ही रहा, बहुत अच्छा लग रहा है क्लास में बैठ कर, तो ना फीलिंग वेरी गुड राइट। और एडमिशन किस पे मिला था, वहाँ पे एडमिशन मेरा 12 बजे रात में हुआ था, 1 बजे रात में एडमिशन ही नहीं होता था, इतना क्राउड भाई, 4000 जनता जुटती थी और सीट है 400। जिस टीचर का बात कर रहा हूँ वो कमाल के टीचर हैं, आप जितने भी यहाँ पे इंडिया में कोचिंग जानते हैं, बड़ा बड़ा ब्रांड सब में एचओडी ऑर्गेनिक कोई पढ़ाता है तो उनका स्टूडेंट है। मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूँ, कमाल का टीचर, ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। तो वो था क्राइटेरिया, मतलब क्राउड था, जगह नहीं मिलती थी। तो लास्ट में किसी तरीके से मुझे एक टूल पे, नॉट बेंच, सर क्लासरूम कैसा रहा, क्लासरूम ऐसा था कि इधर मकान इधर मकान, अब बीच में खाली जगह और ऊपर में आसान टाइप का टीन और बैम्बो। यस, वैसे जगह पे क्लास लेते थे। तो एक्चुअल में उनका स्टोरी है बहुत इंस्पायरिंग कि यूएस से कब, सम टाइम्स आप कितना भी बड़े लोग हैं तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से उठकर वहाँ तक पहुँचे थे, बट ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम उनको वहाँ से आना पड़ा। तो देखिए, एक लेवल पे आने के बाद आपको इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ जाते हैं कि दुनिया क्या सोचेगा। तो अपने घर मोतिहारी में जाकर कितने बड़े आदमी जाके गाय पालना शुरू किए, कहाँ से कहाँ। तो एक दिन, यह स्टोरी बाकी लोग को नहीं सुनना चाहिए, रिक्वायरमेंट होता है। देखिए स्टूडेंट, तो एल क्या इंडिकेट करता है, सब सेल। एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी आगे कुछ हो सकता है, बट एल का वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो ए तो हुआ सबसे, एल का मतलब सबसेल ना, ये सबसेल का न्यूमेरिकल नाम हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 राइट। बट इसका एक लेटर वाइज भी नेम है, आज के बाद अगर एल का वैल्यू 0 तो उसका नाम दिया गया है ए सबसेल। आज के बाद कहीं भी एल का वैल्यू 0, मतलब कौन सा सबसेल का बात कर रहा हूँ, एस सबसेल का, एग्री। और एल का वैल्यू 1 है, मतलब पी सबसेल का बात कर रहे हैं, इज इट राइट। एल का वैल्यू 1 का दूसरा नाम पी सबसेल, एल का वैल्यू 2 तो उसका तीसरा दूसरा नाम डी सबसेल, एल का वैल्यू 3 उसका एफ सबसेल, करेक्ट ना, एफ फिक्स कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि एल का वैल्यू 0 के लिए पी बोल दीजिए, आज बाद एल का वैल्यू 0 मतलब एस, एल का वैल्यू 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, 3 मतलब एफ, 4 मतलब बोलिए सबसेल, 5 मतलब
इज सिक्स का मतलब आई काम दीजिए, आई सबसे यहाँ तक, लेकिन आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इतना तक भी याद रखिए। तो हालांकि हम लोगों का काम तो यहाँ तक से ही चल जाएगा, अब मैक्सिमम यहाँ तक, राइट, यहाँ तक जाने का रिक्वायरमेंट है, फिर भी जानना चाहिए। एस पी डी एफ जी एच यहाँ तक आइए। इसको हटाए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ एल, और यहां पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल। एल का वैल्यू कहां से कहां तक होता है स्टूडेंट? सर, जीरो से एन माइनस वन तक जाना है, राइट तो यहाँ पे ऑर्बिट नंबर वन के लिए स्टार्ट कहाँ से करिएगा और जाना कहाँ तक है? तो वन माइनस वन मतलब जीरो, इसका मतलब इसमें कितना एल का वैल्यू मिलेगा? सिर्फ जीरो मिलेगा, राइट। यहाँ समझ में आया बात, मैंने क्यों क्या बोला, क्या बोला सर? जीरो से स्टार्ट करना था, जाना कहाँ तक था? हाँ, तो वन माइनस वन, जीरो से स्टार्ट किया, जीरो फिर से जाना ही है, तो जीरो मतलब सिर्फ जीरो से जीरो नहीं, दो बार जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक ही वैल्यू मिला, वो है जीरो। इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट नंबर वन में कौन सा सबसेल है? एस। कौन सा सबसेल है? एस सबसेल है, समझे? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल, ईच वैल्यू ऑफ एल लिखवा है ना पॉइंट में, ईच वैल्यू ऑफ एल इंडिकेट वन सबसेल। तो यहाँ पे ऑर्बिट नंबर वन में कितना वैल्यू आपको मिला? एक। इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल का मतलब नंबर ऑफ सबसेल इन ए गिवन सेल, राइट, ए गिवन सेल के लिए बोला हूँ, इन ए गिवन सेल। तो ऑर्बिट नंबर वन में कितना सबसेल है? वन है, जिसका नाम है एस, जिसका नाम क्या है? एस। व्हाट अबाउट ऑर्बिट नंबर टू, एल का कितना वैल्यू? जीरो और वन ना, जीरो वन, एन माइनस वन तक जाना था, तो एन माइनस वन का वैल्यू पहले निकाल लीजिएगा। सर कहाँ कौन कौन सा वैल्यू मैं क्या करता आपके जगह पर रहता, तो मान लेते हैं एन इक्वल टू फाइव है, एग्री, तो मैं एन इक्वल टू वन निकालता, फोर, यानी एन माइनस वन इक्वल टू व्हाट, मतलब जीरो से फोर तक जाना है, कहाँ तक जाना है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा वैल्यू? जीरो एंड वन, और भाई एल का वैल्यू, जीरो का नाम क्या था, आई, इसका नाम क्या था? पी, यस। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल? दो। तो ऑर्बिट नंबर टू में दो सबसेल है, उसका नाम क्या है? एस एंड, एक मिनट, डी है ऑर्बिट नंबर टू में? डी सबसेल है? नहीं है। अब एक मिनट रुकिए, तब ध्यान से सुनिएगा कि बहुत जगह पे मैं बोलते रहूँगा लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या बोलते रहेंगे? इसका मतलब है कि वैसा कोई, आप बोलते हैं ना सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, हम लोग बोलते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सा ऑर्बिट? आउटर मोस्ट मतलब उसका कोई, उसके बाद कुछ नहीं है, तभी तो बोले आउटर मोस्ट, लास्ट वाला। तो मान लेते हैं किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू है, सेकेंड ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट, राइट, सेकेंड ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब थर्ड ऑर्बिट उसमें, तो दो ही ऑर्बिट है और सेकेंड इज द लास्ट ऑर्बिट, तो क्या उसमें डी रहेगा? सिर्फ एस और पी रहेगा ना, तो क्या वहां पर बोल सकते हैं लैक ऑफ डी सबसेल? यस। तो अब समझ में आ गया कि कोई टीचर बोलते रहते हैं तो सुनने में लगता है स्टैंडर्ड, बट बहुत बेसिक बात था, बोलते रहते हैं लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, क्यों बोल रहे हैं समझ नहीं रहे हैं, बस सुन रहे हैं, राइट, मतलब कुछ नहीं था भाई, थोड़ा सा रुकना था और समझ कर आगे बढ़ना था,
मतलब इसमें थोड़ा टाइम देना था, राइट। चलिए ऑर्बिट नंबर थर्ड में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 0, 1, 2। हाउ मेनी सब, जीरो का नाम दूसरा नाम एस, समझ पा रहे हैं ना? पी, और इसका नाम डी। इसका मतलब इसमें कौन कौन सा रहेगा? एस रहेगा, पी रहेगा और डी रहेगा। क्या एफ रहेगा? ऑर्बिट नंबर थ्री में टोटल कितना सब सेल? 3। फोर में कौन कौन सा रहेगा? एवरीवन। सर 0, 1, 2, 3। और जीरो का नाम एस, पी, डी, एफ, राइट। और इसमें 0, 1, 2, 3, 4 कौन कौन सा रहेगा जरा देख लीजिए। एग्री, एस, पी, डी, एफ, जी, एस, पी, डी, एफ, जी, इसमें एस, पी, डी एंड एफ। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्या ऑब्जर्व किए एग्जाम में फास्ट होने के लिए? यस, मैंने ऑब्जर्व किया कि जितना ऑर्बिट नंबर था उसमें उतना ही नंबर ऑफ सबसेल एग्जिस्ट करेगा। ऑर्बिट नंबर वन में कितना सबसेल है? 1। ऑर्बिट नंबर टू में कितना सबसेल है? तो ऑर्बिट नंबर अगर 10 होता तो कितना सबसेल होता? 10 होता। बट जैसे ऑर्बिट नंबर 10 रहता, लेट अस सपोज हाइपोथेटिकली अगर ऑर्बिट नंबर, प्रैक्टिकली तो साथ ही होता है, बट हाइपोथेटिकली अगर ऑर्बिट नंबर 10 होता तो उसमें सबसेल कितना होता? कौन कौन सा? न्यूमेरिकल नाम बोल दीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक नहीं जाएंगे सर, 9 तक जाएंगे। जो से लेकर कहाँ तक? 9 तक। क्लियर ना? लिखिए, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। नंबर ऑफ सब सेल इन ए गिवन सेल इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, समझ गए? आज के बाद किसी भी ऑर्बिट में कितना सबसेल होगा वो उसके ऑर्बिट नंबर पे डिपेंड करेगा। ऑर्बिट नंबर 5 है तो उसमें 5 होगा, ऑर्बिट नंबर 6 है तो उसमें 6 सबसेल होगा, राइट। और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा? अब इस पे एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, क्वेश्चन लिखिए, What is the minimum principal quantum number for existence of H subcell? What is the minimum principal quantum number for existence of H subcell? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड। तो नहीं, ऑब्जेक्टिव हो गया, मतलब एच एग्जिस्ट, एक कहाँ से स्टार्ट होगा तो उसके लिए एच के लिए एल का वैल्यू कितना लिखवाए हैं? फॉर द एच सब सेल व्हाट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एल? 5 है ना, तो एल का वैल्यू 5 होने के लिए एन का मिनिमम वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा। क्या एन का वैल्यू 5 रहेगा तो एल का वैल्यू 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर लिख लीजिए 6। आप लोग समझे सोल्यूशन इन्होंने क्या बोला? कैसे एच का वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए मैंने एच के लिए एल का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाला, तो फॉर एच एल का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना रहेगा? 5। और एल का वैल्यू 5 होने के लिए एन का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? तो एल का वैल्यू 5 होने के लिए एन का मिनिमम वैल्यू क्या, इसके लिए एन इक्वल टू 5 लेंगे तो काम चलेगा? एन इक्वल टू 5 लीजिएगा तो एल का वैल्यू 4 तक ही मिलेगा, इसका मतलब एक ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो एन इक्वल टू 6 में एल का वैल्यू 5 मिलेगा, एल इक्वल टू 7 में
एन इक्वल टू सिक्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5 राइट। एन इक्वल टू सेवन में 5 नहीं मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या था, कोई भी वैल्यू ऑफ एन या मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, इसलिए इस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जैसा ये दिस इज मिनिमम वैल्यू, एग्रे, ये समझ में आ गया। ऐसा अगर टर्म फर्स्ट में या आपके स्कूल के एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डी सब सेल। डी सब सेल एग्जिस्ट करने के लिए कहाँ से डी सब सेल स्टार्ट होगा, ऑर्बिट नंबर 3 से। क्यों? क्योंकि डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, एल का वैल्यू 2 कहाँ से स्टार्ट होगा, किस एन से, ऑर्बिट नंबर 3 से। कहाँ से देख लीजिएगा, करेक्ट ना। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एकदम नीट टाइप का क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर करेक्ट, देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट SET, क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट दो, विच ऑफ फॉलोइंग सेट आर इनकरेक्ट, तो वैल्यू ऑफ कौन सा एल का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए एन देखिएगा। वैल्यू ऑफ एल, एल डिपेंड्स ऑन व्हाट, एन राइट। एन इक्वल टू वन के लिए एल का वैल्यू जीरो, एल एन का वैल्यू वन के लिए एल का वैल्यू जीरो होगा या नहीं होगा, होगा, ये सही है। एल का वैल्यू 3, एन इक्वल टू 5 के लिए एल का वैल्यू 3 होगा या नहीं होगा, होगा, 0, 1, 2, 3, 4 तक होगा राइट। एन का वैल्यू 3 के लिए एल का वैल्यू 2, ये भी होगा, बट एन का इक्वल टू 3 के लिए क्या एल का वैल्यू 3 होगा, एक सही एड्रेस है या रॉन्ग एड्रेस है। हम लोग इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस का तलाश में निकले हैं राइट, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, एक गलत एड्रेस कोई बता दिया, ये सही एड्रेस नहीं है। एन का वैल्यू 3 के लिए एल का वैल्यू 3 नहीं होगा, करेक्ट, क्योंकि आप इसका वैल्यू देख रहे हैं तो उसके लिए यहाँ से चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ, अरे तो पक्का अगर नीट का तैयारी किए हैं तो पता होगा ऐसा क्वेश्चन आता है। अभी 2 तक ही पहुँचे हैं, 4-4 का सेट बना के आएगा राइट, बट 2 से स्टार्ट करते हैं पहले, इसका मतलब ए मेरा सही नहीं है, करेक्ट। अच्छा यहाँ तक बताए हैं, कभी कभी होता है ना कि हाँ कहाँ जाना है, आसाम, आसाम में कहाँ जाना है, गुवाहाटी, बस ये पता है आसाम जाना है उसमें गुवाहाटी, दो ही चीज़ पता है ना, ये नहीं पता है गुवाहाटी में जुरो तीन आली पनील पैलेस कैटलिस कोचिंग, एक हुआ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बस सिर्फ कोई बोलता है कि आसाम जाओ और आसाम में गुवाहाटी जाओ, पूछेगा ना गुवाहाटी में कहाँ, मतलब ये अभी कंप्लीट नहीं है बट थोड़ा पता है, इतना सिर्फ देगा, इसका मतलब क्या, आपको कहाँ तक पहुँचाया गया सर, सबसेल तक, कहाँ तक, इसका मतलब 1s, कौन सा s, 1 इसके लिए, आईएल का वैल्यू 0 का मतलब क्या, ये था 1s का बताने का तरीका, 1s का बताने का तरीका, l का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1 का मतलब आपने किसी सबसेल का एड्रेस बताया है, वो सबसेल कहाँ का है,
ऑर्बिट नंबर वन का, राइट, इट इज 1s, इसका मतलब 5d. वेरी गुड, 5d. एल का मतलब 3, मतलब कौन सा सबसेल? डी सबसेल, सॉरी सॉरी, ये कितना था, दो या तीन था, सॉरी हाँ, ए 5f है ना भाई, 5f, इसका मतलब 3d, इसका मतलब कोई मतलब नहीं, ये होगा ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो अब समझ में आ गया, समझ में आया, हाँ या ना? ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, यहां देखिए 2s 3s 1s. तो सर सब तो s, ऑल आर s सबसेल, इज इट राइट? ए भी कौन सा सबसेल? s. ए भी कौन सा सबसेल? s. ए भी कौन सा सबसेल? तो क्या ऑल आर सेम सबसेल? ऑल आर डिफरेंट s सबसेल. नाम है s सबसेल, बट यह है ऑर्बिट नंबर 1 का s, यह ऑर्बिट नंबर 2 का s, यह ऑर्बिट नंबर. बड़ा जमीन है तो कमरा भी बड़ा बड़ा बनेगा, राइट? तो 1s 2s और 3s में सर ऑल आर स्फेरिकल, पर सबसे बड़ा कौन रहेगा? कॉमन से सप्लाई कीजिए, ये ऑर्बिट नंबर 3 का s है, ये बड़ा स्फेयर रहेगा. ये ऑर्बिट नंबर 2 का s है, उससे छोटा रहेगा. ये ऑर्बिट नंबर, इसका मतलब है कि इसके अंदर ये रहेगा, इसके अंदर ये रहेगा, तो ये साइज का ऑर्डर हो गया. किसका ऑर्डर हो गया? लिखिए, ठीक है ना? अगर इसको ऐसे दिखाना रहेगा, बाद में बता देंगे, एस का शेप होता है स्फेरिकल, इसलिए मैंने स्फेयर बोल रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा. एस का शेप कैसा होता है? स्फेयर के जैसा. एग्री? ए है न्यूक्लियस, ए क्या है? 1s. ए क्या है? ए क्या है? सारे स्फेयर का सेंटर सेम है, ऑल आर कॉन्सेंट्रिक. जिसका सेंटर सेम रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक. उसका सेंटर कहाँ पे है? न्यूक्लियस में, करेक्ट? तो ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट ए सबसेल. अब बड़े ऑर्बिट का सबसेल भी बड़ा होगा. यहाँ से क्या सीख रहे हैं? बड़े ऑर्बिट का सबसेल भी क्या होगा? बड़ा होगा. इसलिए मैंने साइज का ऑर्डर ऐसा दिया था, करेक्ट ना? अच्छा बताइए, अगर ऑब्जेक्टिव आ गया, सबसेल इज टू डायमेंशनल कॉन्सेप्ट या 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट? स्फीयर 2 डायमेंशन में देखें. ये मतलब कि सर स्फीयर का मैंने शेडो ले लिया था, होता है ना जनरली, स्फीयर का शेडो लेंगे तो सर्किल नजर आएगा, राइट? बट एक्चुअली इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसेल इज 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, उसमें वॉल्यूम रहता है, राइट? लिख लीजिए नोट करके, ये भी कहीं आ जाएगा. सबसेल इज 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, सबसेल इज 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. तो स्टूडेंट यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा. आज कंटिन्यू 2 क्लास था और उतना अच्छा भी मैं फील भी नहीं कर रहा हूँ, बट क्लास आज एक्चुअली एक क्लास बॉटनी का था जो मैं रूटीन तैयार किया हूँ, तो बॉटनी का मैम का भी आज कल नहीं था, थोड़ा क्लास लेते थे तो खराब हो गया, शायद मौसम चेंज हो रहा है, तो उनका क्लास मैं ले रहा था. अदरवाइज एक ही दिन में सुबह सुबह 2 केमिस्ट्री, ये नहीं होगा, इतना भी अत्याचार नहीं किया जाएगा, 2 क्लास केमिस्ट्री हो रहा है.
बट क्लास आपका स्टार्ट कर दिया यार, क्लास इतने दूर से लोग आएंगे और सुबह में सिर्फ एक क्लास करके जाएंगे तो मुझे ख़राब लग रहा था। लेकिन एक दिन में एक दिन ऐसा रूटीन है कि जिसमें आपको दो करना, मैं समझ गया आपके फीलिंग को भी समझ रहा हूँ। मतलब इतना लिखना पड़ता है बट स्टूडेंट, मेरा एक रिक्वेस्ट है,